दोस्तों, अगर आप भी अपना पढ़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आने पर या फिर दारू पीने के बाद बीवी की डांट ना मिलने पर खुद को खुशकिस्मत समझ लेते हैं तो ये वीडियो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देगी, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे किस्मत वाले लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने मौत को भी चकमा देकर अपनी किस्मत का परचम लहराया है। और लास्ट में तो एक ऐसा बंदा है जिसने आसमान की ऊंचाई पर मीटियोराइड से टक्कर ले ली थी। तो कौन है ये लोग और इनके साथ क्या हुआ था, इस चीज को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। चीटिंग डेथ ट्वाइस। दोस्तों, डच साइक्लिस्ट मार्टिन डी जोंग की जिंदगी का सबसे खुशनसीब पल वही था जब इन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो बार इत्तेफाक से उन फ्लाइट्स को कैंसिल करवाया जिसने जब उड़ान भरी तो उन्हें हादसों का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मार्टिन को अपनी साइकिल रेस के लिए दुनिया भर में जाना पड़ता था। इसी वजह से पहली बार इन्होंने MH-17 प्लेन को कैंसिल किया और बाद में वो प्लेन क्रैश हो गया जिसकी वजह से प्लेन में बैठने वाले सभी पैसेंजर्स मारे गए। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि ठीक ऐसा ही इन्होंने MG-370 प्लेन के साथ किया, जहां इस एरोप्लेन को भी इन्होंने इस वक्त पर कैंसिल करके दूसरा प्लेन पकड़ा। और इनके टिकट कैंसिल करने के बाद जब MG-370 ने उड़ान भरी तो ये प्लेन वापस दिखाई नहीं दिया और तब से गायब है। साथ ही साथ इस प्लेन में बैठे लोग भी अभी तक ढूंढे नहीं गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि मार्टिन किस लेवल के लकी हैं, क्योंकि इन्होंने दो बार दो अलग अलग प्लेन में ना बैठने का फैसला किया और दोनों बार इनके फैसले इतने सही हुए कि आज ये जिंदा हम सबके सामने हैं। 17 डेज ट्रैप्ड। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि इस महिला को हम खुशकिस्मत कहें या फिर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब ढाका में 2013 को एक गारमेंट की फैक्ट्री गिर गई तो इस हादसे में 1100 लोग मारे गए, लेकिन सिर्फ एक टीनेजर लड़की थी जिसने अपनी मौत से ये जंग जीती थी। रेशमा बेगम नाम की ये लड़की जो उस समय 19 साल की थी, वो बाकी वर्कर्स की तरह ही बिल्डिंग में काम कर रही थी, तभी अचानक से बिल्डिंग गिर गई और ये लड़की पूरे 17 दिनों तक इसी बिल्डिंग में फंसी रही। हालांकि इतने दिनों तक ये बारिश के पानी और अपने बाकी के मरे हुए वर्कर्स के टूटे फूटे टिफिन बॉक्स में मौजूद खाने पर जिंदा थी। और इतनी भयानक इंजरी होने के बावजूद इस लड़की ने 17 दिनों तक जिंदा रहकर एक अलग ही लेवल की मिसाल कायम कर दी है। द लकीएस्ट मैन इन द एंटायर यूनिवर्स। दोस्तों, अब वक्त आया है दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान से आपको मिलवाने का, क्योंकि ये सबसे पहले मरा, फिर वापस से जिंदा हो गया और फिर दो बार इसने लॉटरी जीती। अब सुनने में ये सारी चीजें भले ही फिल्मी लग रही हों, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 1999 में जब बिल मॉर्गन ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रक ड्राइवर थे तब इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया और ये बच गए थे, लेकिन इन्हें जो दवाइयां दी गई थी उससे इनके शरीर में एलर्जी होने लगी और फिर इनके दिल की धड़कनें बंद हो गई, यहां तक कि ये पूरे 14 मिनट तक मृत घोषित कर दिए गए थे। लेकिन ना जाने कैसे ये 14 मिनट बाद जिंदा हो गए और बिल्कुल ठीक भी हो गए। हालांकि इस चमत्कारी इंसिडेंट के बाद इन्होंने शादी करी और एक लॉटरी टिकट खरीदा जिससे इन्हें $17,000 का इनाम मिला। अब इस टिकट को खरीदने के बाद रिपोर्टर्स इनका इंटरव्यू लेने आए और उन्होंने इन्हें एक और लॉटरी टिकट खरीदने के लिए कहा। दोस्तों, ये मोमेंट इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब इन्होंने ये लॉटरी टिकट खरीदी तो इन्होंने पूरे $2,50,000 की लॉटरी जीती, जो कसम से इनक्रेडिबल है, और इसीलिए हम इन्हें दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान के तौर पर जानते हैं। सर्वाइविंग फाइनल डेस्टिनेशन। दोस्तों, इस दुर्घटना के बारे में सुनने के बाद तो आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स दोपहर के 2 बजे हर रोज की तरह अपने काम से निकला था, लेकिन अचानक से ही एक भारी लोहे की रॉड आकर उसकी कार के शीशे को आर पार करती हुई उसके जस्ट बगल में आकर लग जाती है। दोस्तों, इस तरह का नजारा अक्सर आपको फिल्म वगैरह में देखने को मिलेगा, लेकिन ये असल जिंदगी में हुआ था, जहां पर ये शख्स पूरी तरह से हैरान हो गया। और अगर हल्का सा ये रॉड राइट की तरफ जाता तो कार में बैठे इंसान की बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इनकी खुशकिस्मती से रॉड कार के बीच में आकर लगा, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का कांच टूट गया, लेकिन इनकी जान बच गई। और जिस किसी ने भी ये दुर्घटना होते हुए देखी, कुछ समय तक तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई शख्स इतना ज्यादा खुशकिस्मत कैसे हो सकता है। प्लेन क्रैश सर्वाइवर। दोस्तों, अब आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोगों में से एक से मिलिए, क्योंकि जूलियन कोइप के 1971 में क्रिसमस की रात को अपनी मदर के साथ पेरुवियन रेनफॉरेस्ट के ऊपर प्लेन में सफर कर रही थी, तभी बिजली गिरने की वजह से प्लेन लड़खड़ा गया और डायरेक्ट जाकर जमीन पर गिरा। जूलियन इतने बड़े हादसे के बाद बेहोश हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से जहां इतने भयानक हादसे के बाद हर कोई मर गया था, वहीं ये अकेली ऐसी प्लेन पैसेंजर थी जो 2 दिनों तक बेहोश रहने के बाद होश में आई।
हालांकि इतने भयानक एक्सीडेंट की वजह से इनके हाथ की हड्डी टूट गई थी और इन्हें काफी चोट भी आई थी, लेकिन इनका सबसे बड़ा डर इतने घने जंगल में अकेले रहने का था, जिससे निकलने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, पर जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इस वजह से जूलियन ने कुछ समय तक जंगल में सर्वाइव किया और फिर 10 दिन बाद इन्हें लोगों ने रेस्क्यू किया, लेकिन इतने समय तक इसके शरीर में मौजूद घाव बढ़ने लगे थे और इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता था। पर पूरे 10 दिन जंगल में बिताने के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और ये सही सलामत जिंदा बच गई। हालांकि इस प्लेन हादसे ने इन्हें अपनी माँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। सर्वाइविंग अ डीकैपिटेशन। दोस्तों, ये कहानी भी आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि जब ब्रॉक माइस्टर का जन्म हुआ तो ये ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे, जिस वजह से इन्हें काफी मेडिकल ट्रीटमेंट दिए गए, और जब ये एक टीनेजर हुए तो इन्हें कीमो ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा क्योंकि इन्हें ब्रेन कैंसर हो गया था और उस ब्रेन कैंसर को भी इन्होंने मात दे दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये 22 साल के थे और अपने दोस्त के साथ शराब के नशे में कार में बैठे थे। हालांकि कार इनका दोस्त चला रहा था, तभी अचानक से इनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से ब्रॉक का सिर जाकर डायरेक्ट जमीन पर लड़ा और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने देखा कि इनकी खोपड़ी इनके स्पाइन से अलग हो गई थी, जिसे देखकर डॉक्टर इनके जिंदा रहने की उम्मीद खो चुके थे। लेकिन यहाँ पर भी ब्रॉक ने अपना जादू दिखाया और इतनी जल्दी रिकवर किया कि डॉक्टर हैरान हो गए और उन्होंने बोला कि आज तक उन्होंने किसी को इतनी जल्दी रिकवर होते हुए नहीं देखा है। स्काई डाइवर एंड मेट्योराइट। अब हमारी लास्ट वाली स्टोरी सुनकर आप हैरान हुए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जब नॉर्वे के एक स्काई डाइवर ने प्लेन से छलांग लगाई, ठीक उसी वक्त आसमान से मेट्योराइट गिरने लगे और कुछ तो इनके पैराशूट के जस्ट बगल से निकल रहे थे। कल्पना करिए कि अगर एक भी इनके पैराशूट में जाकर लड़ जाता तो क्या होता, क्योंकि जब मेट्योराइट तेज रफ्तार से आते हैं तो भले ही उनका साइज छोटा हो, लेकिन वो अच्छा खासा नुकसान कर सकते हैं, और यहाँ तो इस स्काई डाइवर की जान तक चली जाती। लेकिन इसकी खुशकिस्मती की वजह से ना ही पत्थर इनके ऊपर गिरा और ना ही उसने इनके पैराशूट को कोई नुकसान पहुंचाया, जिस वजह से ये सही सलामत बच गए। और जब इन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में दुनिया वालों को बताया तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई स्काई डाइवर अपनी लाइफ में इस तरह का मोमेंट भी देखेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।